हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग एक कमीशन वर्क ड्राइंग करने वाले हैं और इस ड्राइंग का मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि मैंने इस ड्राइंग को किस तरीके से कंप्लीट किया और आप एक पोर्ट्रेट स्केच को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इस वाले आई को ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे लेयरिंग मेथड यूज़ कर रहा हूँ। पहले तो मैंने इसमें फर्स्ट लेयर दिया था, देन ब्लेंड करने के बाद मैंने इसमें सेकेंड लेयर दिया, देन फिर उसे ब्लेंड करने के बाद मैंने इसमें हाईलाइट दिए। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस करता हूँ, कोई भी ड्राइंग हो मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सेकेंड आई को ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको भी ड्रॉ करने के लिए सेम मैंने यहाँ पे लेयरिंग मेथड यूज़ किया है। मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और कभी कभी मैं यहाँ पे फोर्थ लेयर भी अप्लाई कर देता हूँ आइज़ वगैरह को डार्क करने के लिए। जो भी अगर आपको डार्कर एरियाज दिखते हैं तो आपको वहाँ पे ना लेयर्स अप्लाई करते जाना, जब तक से वो डार्कनेस आपसे अचीव ना हो जाए तब तक से आपको लेयर्स अप्लाई करना है। और ऐसा ही मैं करता भी हूँ। और जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आईब्रोज को ड्रॉ कर रहा हूँ, आईब्रोज में काफ़ी सिंपल सा फंडा है, आप लोगों को ना हेयर की डायरेक्शन पे स्ट्रोक्स लेने हैं और देन उसको ब्लेंड कर देना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ और अभी मैं थोड़ा बहुत बियर्ड बना रहा हूँ और बियर्ड और जो लिप्स वाला पार्ट है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। और जो लिप्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कम से कम पेंसिल यूज़ करने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रेफाइट पाउडर का भी यूज़ कर रहा हूँ जिससे मुझे स्मूथ सी शेडिंग मिले। सो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो बियर्ड है, जैसे कि मैंने आपको आईब्रो में बताया, आप लोगों को हेयर के डायरेक्शन में स्ट्रोक देना है और इसमें भी आपको लेयर वाइज काम करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इसमें भी लेयर वाइज काम करना है। पहले एच बी से दिया, देन उसके बाद मैं यहाँ पे 2B से दे रहा हूँ और धीरे करके मैं इसको भी 10B से मैं दे दूँगा। अभी मैं यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा बहुत मैं 10B से दे रहा हूँ जिससे कि ये और इधर डार्क हो जाए। और अभी मैं इसमें थोड़े बहुत से हाईलाइट्स दे रहा हूँ और हाईलाइट्स से जो कि है ना, ये जो ड्राइंग है ये और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनेगा। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे चारकोल पेंसिल का यूज़ करके हेयर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। और पर्सनली बताओ तो मुझे चारकोल पेंसिल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इसे ड्रॉ करना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है तो ये हेयर्स में काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ हो जाता है। और यहाँ पर मैं कोई कोई जगह पर चारकोल पाउडर भी यूज़ कर रहा हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ पर इरेजर से हाईलाइट दे दे रहा हूँ। तो इस तरीके से ये जो हेयर है ये भी कम्प्लीट हो चुका है। सो गाइस, अभी मैं बना रहा हूँ इनके क्लॉथ और क्लॉथ में मैं यहाँ पे चारकोल पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं मेकअप ब्रश से इस चारकोल पाउडर को अप्लाई करके यहाँ पे शेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रिजल्ट चाहिए था, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ क्लॉथ थे इसीलिए। और अगर मैं यहाँ पे चारकोल पेंसिल का यूज़ कर देता तो काफ़ी ज़्यादा रफ़ बन जाता वो क्लॉथ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप चारकोल पेंसिल यूज़ करते हो तो आप लोगों को पता होगा वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही लगता मतलब क्लॉथ में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे चारकोल पाउडर यूज़ किया जिससे कि मुझे स्मूथ रिजल्ट्स मिल गए। बस हाँ, चारकोल पाउडर को हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप, अगर आपका कोई अच्छा ड्राइंग है उसमें आप चारकोल पाउडर यूज़ मत करना, और पहले एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लेना उसके बाद जाकर यूज़ करना, क्योंकि चारकोल पाउडर को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है, कभी कभी कोई कोई जगह पर पैचेस भी आ सकते हैं। तो आप पहले ट्राई कर लेना उसके बाद यूज़ करना। वैसे ये काफ़ी बेस्ट मेथड है शेड करने का, वो भी चारकोल में, और डार्क भी हो सकता है इससे और काफ़ी स्मूथ जो है वो रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे जो ये क्लॉथ है ये लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे मैं थोड़े बहुत से और डार्कर एरियाज देने के बाद इसको मैं कंप्लीट कर दूँगा। और अभी मैं यहाँ पर दूसरा फेस को ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पे ना मैं नीडेड इरेजर की मदद से जो भी मैंने यहाँ पे ग्रिड लाइंस बनाई थी मैं उनको इरेज करके यहाँ पे मैं ड्राइंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। जब भी आप ड्रॉ करो तो इस बात का ध्यान रखना कि जो ग्रिड है वो आपका इरेज होना चाहिए। आप पहले तो पूरा इरेज कर सकते हो, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि थोड़ा बहुत से प्रपोर्शन अगर कोई जगह पर मिस्टेक होता है तो मैं उसको सुधार लेता हूँ, इसलिए मैं इरेज नहीं करता, मैं ड्राइंग करते करते साथ ही मैं उस ग्रिड को इरेज कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लेयर वाइज टेक्निक फिर से यूज़ कर रहा हूँ फेस पे, और कोई की जगह पे मैं यहाँ पे कॉटन का भी यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग करने के लिए। और जो कॉटन है उससे काफ़ी स्मूथ रिजल्ट्स मिल जाते हैं हम लोग को ब्लेंडिंग करने से, तो मैं यहाँ पे कॉटन का भी यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़े बहुत से मेकअप ब्रश का भी यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं।
और यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पे हेयर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, और हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मीडियम चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और मीडियम चारकोल पेंसिल से फर्स्ट लेयर देने के बाद मैं इसमें सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करके इसको डार्क कर लूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं मीडियम चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और उसको ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे सॉफ्ट पेंसिल का भी यूज़ कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए। सो इसी तरीके से मैं यहाँ पे ड्राइंग को कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। और फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पे चारकोल पाउडर का भी यूज़ कर रहा हूँ थोड़े बहुत हेयर्स में, और यहाँ पे मैं क्लॉथ बनाने के लिए भी चारकोल पाउडर का ही यूज़ कर रहा हूँ। और ये चारकोल पाउडर काफ़ी स्मूथ एंड डार्क होता है, तो मैं इसीलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। देन मैं क्लॉथ में टेक्सचर बनाने के लिए इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी मेथड का यूज़ करके यहाँ पे मैं कंप्लीट क्लॉथ को ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कोई की जगह पे ग्रेफाइट पेंसिल का भी यूज़ कर ले रहा हूँ क्लॉथ को ड्रॉ करने के लिए और थोड़े बहुत से टेक्सचर्स को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स मेरा ये जो ड्राइंग है ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग पहले बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।